असल में YouTube फैमिली कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खरी से होंगे आज के वीडियो में जी मैं एक शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी ज़बरदस्त सी फाउंडेशन की टिप जिससे आपकी स्किन जो है वो ग्लास स्किन लगेगी आपका फाउंडेशन फटेगा नहीं और बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा आपकी नेचुरल स्किन के कलर टोन के हिसाब से होगा और बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने फाउंडेशन की लेयर लगाई हुई है या नहीं बहुत ही नेचुरल सी फिनिश आएगी तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ सबसे पहले जो है आप अपने फ़ेस को मॉइस्चराइज़ करना यहाँ पर मैं अपने बाल बना लिए हैं और मैं अभी जो है अपने फ़ेस को मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ जो मॉइस्चराइजर यहाँ पे मैंने यूज किया है वो यूज किया है निविया का आपके पास कोई सा भी अच्छा मॉइस्चराइज़र हो तो आपने वो अप्लाई कर देना है यहाँ पे मॉइस्चराइज़र का बहुत बड़ा रोल है तो आपने मेक uh, श्योर sure करना है कि जो भी मॉइस्चराइज़र आप अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत ही uh, जो है ज़बरदस्त सा मॉइस्चराइज़र हो और नॉन ग्रीसी हो इसके बाद है जी हमारा सेकंड स्टेप वो है जी फाउंडेशन का यहाँ पे मैंने कोई प्राइमर नहीं लगाया कुछ भी नहीं अप्लाई किया अब देखें आपने कितना जो है क्वान्टी लेनी है ठीक है फाउंडेशन की जितना पी साइज़ अमाउंट है आपने उतना ही जो है वो क्वान्टिट्टी लेनी है जितना मर्ज़ी आपके फेस पर डार्क स्पॉट हों ब्रेकआउट्स होंक्नी मार्क्स हों जो मर्जी आपके फेस पर हो आपने सिर्फ जो है वो पी साइज अमाउंट का ही फाउंडेशन लेना है तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वो लिक्विड फाउंडेशन यूज कर रही हूँ आपके पास जो भी लिक्विड फाउंडेशन हो आप लोग यूज़ कर सकते हैं लेकिन आपने क्वांटिटी जो है सिर्फ इतनी ही लेनी है उसके बाद मैं यहाँ पे इसको ब्यूटी ब्लेंडर से जो है वो डैप डैप करके नहीं लगा रही बल्कि मैं अपने आ, हाथों की हेल्प से जो है इसको जिस तरह हम लोग क्रीम लगाते हैं ब्लेंड करते हुए मैं उस तरीके से इसको अप्लाई कर दूँगी क्योंकि ये हम नेचुरल लुक कर रहे हैं ग्लास स्किन फिनिश में हम लोग कर रहे हैं तो आ, ये कोई बहुत आ, हैवी या पार्टी मेकअप नहीं होगा तो आप लोग इसको देख लें और आजकल तो पार्टीज़ में भी बहुत ही लाइट सा जो है नेचुरल सा मेकअप चल रहा है तो आपने इस तरीके से ही इन टिप्स को फॉलो करना है और आपने ऐसे ही अप्लाई करना है अगर आपने किसी दावत पे जाना है गेट टुगेदर पे जाना है कहीं आ, डिनर पे जाना है शॉपिंग पे जाना है तो आ, ये जो है ज़बरदस्त सी टिप है आपकी फ़ाउंडेशन के लिए और मैं जो है बहुत टाइम से इस तरीके से ही फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ तो आप देखें अब आपके जो है वो फेस पे पता ही नहीं चलेगा कि आपने कोई चीज़ अप्लाई की हुई है अगर आपके फेस पे डिस्कलरेशन हो या पिगमेंटेशन हो या डार्क एरियाज़ हो तो वहाँ पे आप लोग पहले हल्की सी कलर करेक्टिंग करें बहुत ज़्यादा नहीं लगाना बहुत हल्का सा कलर करेक्टिंग के बाद आपने उसके बाद जो है वो फ़ाउंडेशन अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने पूरी तरह से अपने फेस पे जो है वो अप्लाई कर लिया है फ़ाउंडेशन आपको बिल्कुल भी ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा होगा बिल्कुल अपनी जो है वो नेचुरल स्किन दिख रही होगी तो यही टिप है आपने जो है वो फाउंडेशन की क्वान्टिट्टी कितनी लेनी है ठीक है इससे ज़्यादा आपने अगर क्वान्टिट्टी ली तो वो बहुत भरा भरा सा और बहुत ही उबरा उबरा सा आपका फेस पे लगेगा और फाउंडेशन फटेगी भी बहुत जल्दी अच्छा उसके बाद आपने वीडियो कभी भी स्किप नहीं करना आपने एंड तक देखना है जो इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है कि हमने इस लिक्विड फाउंडेशन को सील कैसे करना है अगर आप लोग बहुत ज़्यादा लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लेंगे तो उससे भी आपकी जो ग्लास फिनिश है वो ख़त्म हो जाएगी प्लस जो है आपका जो बेस है वो केकी हो जाएगा तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बहुत ही कम क्वान्टिट्टी में जिस तरह आप देख रहे हैं इस तरीके से डैप डैप करके मैं यहाँ पर सिर्फ अंडर आई एरिया फ़ोर हेड पे और चिन पर जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है या पूरे फेस पे भी आप बहुत हल्का हल्का सा डैब डैब करके इस तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर यूज हूँ आप चाहें तो लूज पाउडर भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं तो इस तरीके से आपने हल्के हाथों से डैब डैब करके आपने बस अप्लाई कर देना है और बस इतना सा आपने बहुत ज़्यादा भर भर के यहाँ पे नहीं लगाना ना कॉम्पैक्ट ना ही लूज पाउडर और अभी आप देख सकते हैं कितना जो है वो इवन टोन स्किन लग रही है और कितना फेस बिल्कुल जिस तरह नेचुरल फिनिश होती है उस तरीके का आपको नज़र आ रहा होगा तो देख सकते हैं आप कहीं से भी एंगल चेंज करने से बेस का जो है वो इफ़ेक्ट नहीं चेंज हो रहा इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है हाइलाइटर हाइलाइटर जो है यहाँ पे मैं टिप ऑफ नोज पे अप्लाई कर दूंगी इससे आपका पूरा जो फेस है वो बहुत ही ब्राइटर और बहुत ही शाइनी दिखता है आपने जो है अपनी नोज की टिप पे लगाना है और जो आपके टर्निंग पॉइंट हैं जिस तरीके से मैं यहां पे लगा रही हूँ हाई चीक बोन्स पे आपने इस तरीके से टर्निंग पॉइंट पे थोड़ा सा हाइलाइटर लगा लेना है इससे क्या होगा कि जैसे ही आपके जो है वो टर्न करेंगे या आपके एंगल चेंज होगा आपका तो आपका फ़ेस पूरा जो है वो ब्राइट और शाइनी लगेगा बहुत ही ख़ूबसूरत सी आपकी लुक आएगी और इन इन जो है वो एरियाज़ को आपने हाईलाइट करना नहीं भूलना और मैं थोड़ा सा अपने टिप ऑफ द लिप्स पे भी थोड़ा सा लगा लूँगी चिन पे भी मैंने लगा लिया है और इससे जो है आपकी बहुत ही ग्लोई और बहुत ही ग्लास फिनिश में जो है वो आपकी फ़ाउंडेशन की लुक आती है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कहीं से भी आपको नहीं लग रहा होगा कि मैंने बहुत हैवी फाउंडेशन लगाया है या कोई भी चीज़ अपने फेस पे अप्लाई की है तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है जी ऑन अप्लाई करना यहाँ पे मैं ब्रॉशन अप्लाई कर दूंगी अच्छा आपको जितनी भी क्वांटिटी चाहिए आपने उतना ही अप्लाई करना है क्योंकि ये थोड़ी देर के बाद ऑक्सीडाइज़ हो जाता है तो अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा दिख भी रहा होगा तो ये मैंने आ, खुद ही इस तरह से लगाया है क्योंकि तकरीबन बीस पच्चीस मिनट तक ये ऑक्सीडाइज़ हो जाएगा क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में है अगर आप लिक्विड फॉर्म में लगा रहे हैं तो आपने थोड़ा सा कम करके ही लगाना है तो क्योंकि जो लिक्विड फाउंडेशन होती हैं वो ऑक्सीडाइज़ नहीं होती जो पाउडर फॉर्म में होती हैं वो ऑक्सीडाइज़ हो जाती हैं तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अराउंड माई नोज चीक बोन्स पे और अपवर्ड मोशन में आपने जो है अपना ब्लश ऑन अप्लाई करना है आपने डाउनवर्ड मोशन uh, में जो है वो अप्लाई नहीं करना सो so, uh, ये देखें यहाँ पर मैंने डन कर दिया है अपना ब्लश ऑन और अपवर्ड मोशन की तरफ मैंने अप्लाई कर दिया है थोड़ा सा नोज़ पर भी मैंने यहाँ पर ब्लश ऑन अप्प्लाई कर दिया है इससे बहुत ही खूबसूरत सा टेंट सा जो है वो इफ़ेक्ट आता है तो आप लोग अभी देख सकते हैं जैसे जैसे मेकअप कंप्लीट होता जा रहा है वैसे वैसे ही ज़्यादा जो है वो क्लियर जो है वो फिनिश पिक्चर्स जो है वो आ रही हैं इसके बाद जी दोबारा अभी मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लूँगी और जहाँ पे मैंने ब्लश ऑन अप्लाई किया है वहाँ पे और जहाँ पे मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया है वहाँ पे थोड़ा सा मैं डैब डैब करके ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पे इसको जो है वो पैक कर दूँगी अब जो है इसकी इस टैप का मतलब क्या था कि इससे जो हमारा मेकअप है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो गया है आपको कोई फिक्सिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है मेकअप फिक्सर की ज़रूरत नहीं है तो इससे जो है वो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो गया है अब बिल्कुल जो है नेचुरल फिनिश में आपका मेकअप आ गया है और लॉन्ग लास्टिंग हो गया है सो so, uh, ये था पूरे फेस का फाउंडेशन का अप्लाई करने का तरीका और कुछ टिप्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी अभी साथ में मैं दूसरा अलग uh, से जो है मेकअप कंप्लीट कर लूँगी लाइक आई शेडो मैं हल्का सा लगा लूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप लुक नहीं है तो इसलिए यहाँ पे मैंने डल गोल्ड जो है वो कलर चूज़ किया है आईलिट पे मैं वो अप्लाई कर दूँगी और ये जो मैं uh, यूज़ कर रही हूँ पैलेट ये है रिवाज का बहुत हैंडी सा है और इसके कलर भी बहुत अच्छे हैं ये न्यूड कलर है और बहुत ही खूबसूरत से कलर हैं और पिगमेंटेड भी हैं बहुत अच्छे हैं तो आप लोग ये ले सकते हैं इसके बाद अभी आईब्रोज आईब्रोज भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं आपके मेकअप का और आपके पूरे फेस का ये फ्रेम होते हैं आईब्रोज़ को देखिए मैंने बहुत ही हल्के हल्के स्ट्रोक्स में जो है वो फिल किया है नेचुरल जो है वो मैंने लुक को रखा है बहुत ज़्यादा आपने शार्पली इनको लाइन नहीं क्रिएट करनी इनको बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना जहाँ पे आपको लगे कि गैप हैं उस तरीके से आपने स्ट्रोक की हेल्प से आपने हल्के हल्के से आपने फ़िल करने उसके बाद इसके साथ ही लगी स्पूली से ही मैं इसको ब्रश आउट कर दूँगी तो आईब्रोज़ जो है वो थोड़े से मैनेजेबल लगेंगे अगर बहुत ज़्यादा आपको फिल करना पसंद है तो वो फिर नेचुरल जो है वह आपकी लुक नहीं लगेगी तो फाउंडेशन के साथ साथ इन चीज़ों का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है अगर आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा आ, मतलब आपने लगा भी लिया अप्लाई भी कर लिया लेकिन अगर आपने आईब्रोज को बहुत शार्पली जो है वो फिल कर दिया या ब्लैक कलर से आपने अपने आईब्रोज बना लिए हैं तो वो भी बहुत ही बदनुमा सा एक इफेक्ट आता है तो इसलिए आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है नेचुरली जो है आपने इसको फिल करना है अपनी लुक को थोड़ा सा इंहैंस करना है बहुत ज्यादा आपने इसको जो है वो ब्लैक आई शेड या ब्लैक कलर से अपने लाइन आउट नहीं करना अब यहां पे जो मैं पेंसिल चूज कर रही हूँ आईब्रो पेंसिल है रिवाज की इसके जो है वो ब्राउन कलर से हल्की से लाइन ड्रॉ कर दी है लोअर लैशेज़ के नीचे इससे थोड़ी सी आपकी जो है वो फुलर लुक आती है आइज़ की और साथ में भी मैंने यहाँ पे आई लाइनर भी अप्लाई कर दिया है एक सिंपल सी स्ट्रेट सी जो है मैंने लाइन जो है लाइनर की ड्रॉ कर ली है क्योंकि कैमरे में मेकअप करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है रेदर देन आ, मिरर में तो इसलिए आ, आप लोग जब भी मेकअप करें तो आप लोग क्योंकि मिरर के सामने करेंगे तो आपसे बहुत ईजीली ये सब हो जाएगा दिखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन बहुत ईजी होता है अगर आपकी प्रैक्टिस हो और मैंने बस एक सिंपल सी जो है वो लाइन ड्रॉ कर लिए इसके बाद जो है जब ये मैं लाइन ड्रॉ कर लूंगी अगर हल्का सा एक आंख पे थोड़ा सा आपका जो है वो बारीक लग जाए लाइनर तो आपने दूसरी आंख पे उसके बराबर ही आपने थिक कर लेना है तो इससे क्या होगा आपका लाइनर खराब नहीं होगा बजाय इसके कि आप एक आंख से रिमूव करके दूसरी आंख को जो है वो सेट कर रहे हो तो लाइनर यहाँ पे हमारा डन हो गया है अभी है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप वो है जी मस्कारा क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई फॉल्स ड अप्लाई नहीं की हुई ना ही यहाँ पे मैंने लेंस अप्लाई किए हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नेचुरली जो है मैं अपने जो है आई लैशज़ को किस तरीके से इनहेंस करती हूँ आपने जो है मेरी बहुत सी वीडियोस में देखा होगा मैं बार बार बताती हूँ कि आपने जो है वो कोटिंग करनी होती है मस्कारा की अपनी आई लैशज़ को इन्हेंस करने के लिए तो यहाँ पे मैं एक दफ़ा अप्लाई करके अपर लैशज़ पर फिर मैं दूसरी आइज़ पर लगा लेती हूँ उस तरीके से जब तक थोड़ा सा गैप आ जाता है तो दोबारा से मैं फिर वापस जो है वो दूसरी आँख पर आई लैशेज़ पर कोटिंग कर लेती हूँ और आपने अपनी लोअर लैशेस को भी बिल्कुल नहीं स्किप करना आपने लोअर लैशेस पे भी मस्कारा अप्लाई करना है तीन से चार कोट लगाने के बाद आपकी जो लुक होगी वो कुछ इस तरह की होगी अब आप वाजे डिफरेंस जो है वो देख सकते हैं कितना ख़ूबसूरती से जो है वो आपकी आई लैशज़ जो है करली सी और बहुत ही खूबसूरत सा इफेक्ट दे रही हैं अभी शायद में भी आपको कैमरे में इतना अच्छे से नज़र ना आ रहा हूँ लेकिन मिरर में बहुत वाजे जो है वो डिफरेंस में नज़र आ रहा था तो ये आपकी मस्कारा की टिप थी आपने लाजमी ये ट्राई करनी है इससे आपको बहुत डिफरेंस फील होगा अब यहाँ पे मैंने एक पीची सा न्यूट सा कलर ले लिया है लिपस्टिक का उसको मैंने जो है वो पहले एक लेयर लगा ली है अपने लिप्स पे एक दफ़ा मैं लिपस्टिक लगाने के बाद अब थोड़ा सा जो है मैं इसको आउटलाइन दे दूँगी थोड़ा सा लिप की शेप को इहैंस करने के लिए आप चाहें तो इस स्टेप को पहले भी कर सकते हैं यहाँ पे मैं जो है इसको इसके बाद जो है मैं इस स्टेप को कर रही हूँ थोड़ा सा लिप की शेप को इहैंस करने के लिए और ये बहुत ही खूबसूरत सा जो है वो पीच सा कलर है न्यूट सा मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये इसके ऊपर रोज़ पीच कलर में एक लिपस्टिक है थोड़ा सा मैं उसको अप्लाई कर दूँगी तो ये जो है वो कलर थोड़ा सा पॉपअप हो गया तो ये छोटी सी टिप्स होती हैं मेकअप की जो कि आपकी पूरी लुक को चेंज कर देती हैं और बाल मैंने पहले से बना लिए हुए थे और ये जो ड्रेस है वो है फ्रॉम खाडी और आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा फिनिश आया है और मेन जो चीज़ है नोटिस करने वाली वो है आपका फाउंडेशन आप लोग देख सकते हैं कहीं से भी आपको फाउंडेशन ज़्यादा नज़र नहीं आएगा बिल्कुल एक जैसा और एक ही फिनिश में आप लोग यहाँ पर अभी रिंग लाइट के सामने देखें और उसके बाद मैं आपको रिंग लाइट ऑफ करके भी दिखाऊंगी कि कितना एक नेचुरल सा फिनिश आया है बिल्कुल भी कोई जज नहीं कर सकता कि आपने बहुत ज्यादा फाउंडेशन लगाया है बस आपने ख्याल रखना है कि आपने जो फाउंडेशन की क्वान्टिटी है वो हमेशा आपने कम रखनी है तो ये थी जी मेरी फाइनल लुक आई होप आपको ये फाइनल लुक बहुत अच्छी लगी होगी आपके लिए यूज टू होगी ये इतना सिंपल सा लुक था ये आप कैरी कर सकते हैं किसी भी पार्टी में गेट टुगेदर में डिनर पे दावत पे कहीं पे भी आप लोग ये कैरी कर सकते हैं अच्छा ये दूसरा एंगल है यहाँ पे मैं रिंग लाइट जो है वो ऑन कर रखी है तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं पूरी जो है मैं आपको अपनी लुक दिखा रही हूँ यहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना ग्लास फिनिश के साथ जो है वो फ़ाउंडेशन लगाया है जो फाउंडेशन का टोन सेलेक्ट करने में जिनको प्रॉब्लम होता है आप लोग मुझे बताइएगा मैं आपको उसका भी जो है वो आपको गाइड करूँगी कि आपने किस तरीके से अपने फाउंडेशन का जो कलर है वो आपने सेलेक्ट करना है तो ये है जी कम्प्लीट लुक हाँ जी तो अभी यहाँ पे मैं आपको शो कर रही विद विदाउट रिंग लाइट आप लोग देख सकते हैं कि रिंग लाइट के बगैर भी कितना फिनिश लुक लग रहा है और कहीं से भी नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा फाउंडेशन या केक की या फटावा फाउंडेशन सो ये क्लोजअप uh, है आप लोग देख सकते हैं मैंने दिखा दिया है आपको विदाउट रिंग लाइट और ये जो रिज़ल्ट है ये रिंग लाइट में है सो so, आप लोग डिफ्रेंस देख सकते हैं तो ये था मेरा कम्प्लीट लुक आई होप आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा ये टिप्स आपके लिए यूज़फुल होंगी अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बेलकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपसे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो और इसके साथ साथ अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं फिर इस तरह की और वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा